आज ये सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे जो है ये घटना जो है घटित हुई, और इसमें जो अभी तक सामने आया है वो एक लोकल जो ढाबा है वहाँ पे खाना खाने ये पर्यटक लोग आए थे, और खाना खाने को लेके और ढाबे में बैठने को लेके इनकी जो है ढाबा के मालिक और उनके बेटे के साथ कहासुनी हुई, और इसी का यही कहासुनी आगे आगे बढ़ के जो है एक उनके बीच में लड़ाई हुई, जिसमें अन्य लोग दोनों पक्ष से जो अन्य अन्य बाकी लोग हैं वो भी शामिल हुए, और आसपास के लोग भी एंगेज होने के बाद उसी धक्का मुक्की करते हुए जो एक व्यक्ति नवदीप सिंह जो कि फगवाड़ा के रहने वाले हैं 33 ईयर्स, ये ज़मीन पे फेस डाउन गिरे, और उसी दौरान जो है इनको जब हॉस्पिटल लाया जा रहा था तो हॉस्पिटल पहुंचने तक इनकी जो है डेथ हो गई थी। तो इस मामले में अभी तक लगभग 6 लोग जो है हमने डिटेन किए हुए हैं, और जो पूरे घटनाक्रम है उसमें किस व्यक्ति की किस तरह से संलिप्त है उस पर पुलिस काम कर रही है, और मैक्लियोरगंज में ये इस संदर्भ में जो मामला दर्ज किया जा रहा है और फर्दर कार्रवाई हम उसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्योंकि अभी पीक टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ से इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और साथ ही हमारे लिए मई में ये भी सूचना है कि आईपीएल के भी मैचेज यहाँ हो सकते हैं, और इलेक्शंस की तो तैयारी जैसे कि एमसीसी लगने के साथ स्टार्ट हो ही गई है, तो ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस हैं बहुत सारे हमारे लोकल त्यौहार फेस्टिवल्स और मेले जो हैं ज़िला भर में इस दौरान होने, तो रिसोर्सेज भी इलेक्शन की ड्यूटीज़ में भी बटे हुए हैं, तो ये एक चैलेंज रहेगा। लेकिन जैसे आज जो है पुलिस द्वारा जो है बिल्कुल डिले ना करते और पूरे समय पर जो है मौके पे पहुंच के स्थिति को संभाला गया, और जो कि सस्पेक्ट्स थे उनको हमने एंगेज किया हुआ है, तो उसी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, और इस तरह के यदि कोई अनफॉर्चुनेट क्राइम्स होते हैं तो उनको तुरंत जो है उनको रिस्पॉन्ड किया जाए, और जो भी इसमें लीगल एक्शन है उनकी तरफ हम आगे बढ़। देखिए जो जो वहाँ पे जो आई विटनेसेस हैं उनके हिसाब से व्यक्ति जो है वो एक ग्रुप में दोनों पक्ष से लड़ाई जो है इसमें हो रही थी, और उसी दौरान एक व्यक्ति जो है हाथापाई के दौरान ही नीचे गिरा, और बाकी लोग जो हैं उन्होंने जब उसके तरफ ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि वो ज़मीन पे ही मुंह के बल गिरा हुआ है, तो जब उसको देखा गया तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरनल चोट इसमें शायद जो पीएम में हमें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, तो इसके अलावा कोई और अन्य कोई हैवी इंजरी फेटल इंजरी तो प्राइमअप साहब बॉडी पे नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है और डॉक्टर की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसका हमें वेट करना चाहिए, और मारपीट और इसी झगड़े के दौरान ही ये डेथ का मैटर सामने आया है, तो इसमें फर्दर पीएम रिपोर्ट और जो एफएसएल की रिपोर्ट्स हैं उस पे हम अपने आगे लीगल प्रोसेसेस को एंगेज करेंगे। देखिए पर्यटकों का हमेशा हिमाचल प्रदेश में पूरे दिल से स्वागत रहता है, और आमतौर पे जो इस तरह की घटनाएं बहुत अनफॉर्च जैसे आज की जो घटना है इसमें कोई ऐसा इंटेंशन तो नज़र नहीं आ रहा है कि कोई किसी की जान लेना चाह रहा था, लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया और कहा सुनी जो है वो हाथापाई पे पहुंची और वहाँ से ये घटना तक हम पहुँच गए हैं, तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि सभी पेशेंटली और आराम से चीज़ें डील करने की हम प्रयास कर सकते हैं, और स्थानीय लोग भी थोड़ा सा पेशेंस और कंसर्न, और यदि कोई भी एंटी सोशल घटना होती है या कोई आपको यदि ऐसे लगता है कि कोई चीज़ सही नहीं है, कोई पर्यटक जो है आके लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना चाह रहे हैं, या कोई लोकल व्यक्ति जो है वो किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप संबंधित पुलिस स्टेशन में ज़रूर कॉल करें, और मैक्लियोडगंज क्षेत्र में तो एनी वे बहुत सारी ट्रैफिक ड्यूटीज़ और अन्य ड्यूटीज़ में लोग प्रेजेंट रहते हैं, तो पुलिस को आप काइंडली एंगेज करें ताकि इस तरह की लाइफ लॉस से बच पाए।